लोहरदगा शहरी क्षेत्र के दो अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अनूप कुमार साहू स्कूटी से कचहरी मोड़ से पावरगंज की ओर जा रहे थे, तभी कचहरी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना में लोहरदगा शहरी क्षेत्र के संजय गांधी पथ पर ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कार में सवार चार लोग घायल हो गए। यहाँ पे कुछ व्यवस्था का तो कमी है, लेकिन ये सीएस के साथ हम लोग बैठकर कई बार इसके चर्चा किए हैं, तो कभी कभी तो जल्दबाजी में डॉक्टर हेल्प करते हैं लेकिन कभी कभी परेशानी होती है। तो बिजली ऑफिस के समीप देखा कि घटना, मतलब ट्रक एक गाड़ी दुर्घटना है, तो घायलों को जा उठा के फिर अस्पताल लाए। हमारे अस्पताल में शाम को डॉक्टर गणेश मल्लिक ड्यूटी पर थे, उसी समय एक पहले आया एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट था जो कि ब्रॉड डेड था, यहीं पर लाया गया। डॉक्टर देखे और उसको मृत घोषित किया। उसके बाद उनके परिवारजनों ने आकर के बहुत हंगामा किया।